आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट डू 1, 2 एंड 3 रिप्रेजेंट? तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीचे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में क्या है, ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स प्लॉट किया गया है अगेंस्ट अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इनमें 1, 2 एंड 3 क्या है? ठीक, यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ये 1 है आपका, ये 2 है, ठीक है, बी, और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि ये फर्स्ट आपका कन्फॉर्मर है, सेकेंड आपका रेगुलेटर है एंड थर्ड पार्शियल रेगुलेटर। तो सबसे पहले कन्फॉर्मर क्या होते हैं? तो कन्फॉर्मर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो कन्फॉर्म का मतलब होता है कि जब मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स और नियरली सभी प्लांट्स, ठीक है, वो जब अपना कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते तो उसको हम कहते हैं कन्फॉर्म। ठीक है, तो अब कन्फॉर्मर का मतलब क्या होता है? कन्फॉर्मर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जिनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स का जो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो चेंज होता रहता है विथ एक्सटर्नल वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कन्फॉर्मर्स। व्हाट अबाउट रेगुलेटर्स? रेगुलेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मीन्स मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है रेगुलेटर। और रेगुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे ह्यूमंस। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन, और कन्फॉर्मर का एग्जाम्पल क्या था? एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स। एंड अब लास्ट आ जाता है पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट बट अप टू सर्टेन लेवल। उसके बाद ये स्टेडी टेम्परेचर मेंटेन करने लग जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं पार्शियल रेगुलेटर का एग्जाम्पल लिख देती हूँ, लाइक ग्राउंड स्क्वायरल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है स्क्वायरल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।